अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आपकी वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है। अगर मान लो आप वीडियो क्रिएटर हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें आप कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ऑडियंस को, और उसमें आपकी ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब है, तो ऐसे में ऑडियंस आपकी वीडियोज में इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो इसलिए हमारी ऑडियो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है हमारे वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो हम अनबॉक्स करने वाले एक ऐसे माइक के बारे में जो कि आपकी ऑडियो क्वालिटी को काफ़ी हद तक एनहेंस कर सकती है। इस माइक का नाम है बोया YM1। ये माइक पर्सनली मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, बट काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि ये जो माइक होता है वो अच्छा होता है। तो काफ़ी लोगों के बारे में सुना है कि ये अच्छा माइक होता है, तो इसको इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले और ट्राई करने वाले हैं कि इसके थ्रू हमारे ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह इंप्रूव हो सकती है। चलते हैं इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है और इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो ये हमारा बोया का माइक, जिसपे ऊपर बोया की ब्रांडिंग है, बोया लेवलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिव। इधर इसका एक फ़ोटो देखने को मिल जाएगा हमें। इधर बोया का मॉडल नंबर है YM1। इस साइड में यहाँ पे फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डर DSLR ऑडियो रिकॉर्डर PC एटसेट्रा। इसका मतलब आप किसी भी डिवाइस में इसका यूज कर सकते हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद इस साइड कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इससे हाई क्वालिटी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको एक क्लिप देखने को मिल जाएगी, एक बैटरी और एक फॉर्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगी। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर एक ये पाउच मिला है हमें ब्लैक कलर का। उसके बाद बोया की ब्रांडिंग के दो स्टिकर हैं यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। इसके अंदर एक मैनुअल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज है, किस तरह इसको यूज करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है ये। उसके बाद बोया का स्टिकर ब्रांडिंग के साथ में। उसके बाद ये एक पाउच है बोया ब्रांडिंग के साथ में। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलने वाला है। यहाँ पे हमारा माइक है और इसके अंदर एक क्लिप है, एक फॉर्म है और एक पिन है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर पता नहीं क्या है ये, सिलिका जेल थ्रो डू नॉट ईट। उसके बाद बोया का ये क्वालिटी सर्टिफाइड बैच है। उसके बाद इसके अलावा पाउच में कुछ भी नहीं है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं इन सारी चीज़ों को और इसको देखते हैं खोल के। इसके अंदर एक पिन है जिसको आप अगर PC वगैरह में लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी सेल है ये, जिसको आप इसके अंदर लगाना पड़ेगा अभी। उसके बाद ये क्लिप देखने को मिल जाती है जिसके हेल्प से आप कॉलर पे अपना माइक है वो आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिल जाती है जिसका यूज हम नॉइज कैंसिलेशन वगैरह के लिए करते हैं। मान लो आप कहीं बाहर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ काफ़ी तेज़ हवा वगैरह चल रही है, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ को रिड्यूस कर देती है। तो अभी माइक को देखते हैं। इसकी जो वायर है वो काफ़ी लेंथी लग रही है, कम से कम 5 मीटर तो होगी अप्रोक्स। और उसके बाद यहाँ पे ये माइक का जो एडाप्टर है इसको खोल के देखते हैं। खुलने के बाद यहाँ पे ये बैटरी जो सेल मिला है हमें, इसमें इसको डालने का ऑप्शन है। इस सेल को हम तब डालेंगे जब हम कैमरे के साथ इसका यूज करेंगे। मोबाइल के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस सेल को डालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ कैमरा के लिए दिया गया होता है। और इसी के साथ तो अभी हम इसका सेल नहीं डालते हैं क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन के साथ यूज करने वाले हैं, इसका कैमरे के साथ नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा और स्मार्टफोन के लिए अलग अलग यहाँ पे एक स्विच दिया है जिसको आप स्विच कर सकते हैं। कैमरा पे यूज करना चाह रहे हो तो कैमरा पे स्विच कर सकते हैं, अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज करना चाह रहे हो तो स्मार्टफोन पे स्विच कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है जिसको आप स्मार्टफोन DSLR वगैरह में किसी में भी लगा के आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा मेन माइक जहाँ से हमारी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होगी। तो सबसे पहले इसमें क्लिप लगा लेते हैं। तो इसको क्लिप को लगाने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेस करना और ये इंस्टॉल हो जाएगी। अभी इसमें ये फॉर्म लगाते हैं। जो हमारी फॉर्म है और वो भी लग चुकी है, क्लिप भी रेडी है। उसके बाद हमारे सेल की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम लोग रख देते हैं अभी।
तो ये है हमारा फुल माइक रेडी हो चुका है, जो कि इसकी जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इसको आप आसानी से किसी भी पर्पज़ के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में जो आप वॉइस सुन रहे थे वो हमारे ईयरफोन के माइक से थी, बट इसके बाद जो आप वॉइस सुनने वाले हैं वो होने वाली है हमारे वोया M1 माइक से। तो आप देख लेना कितना डिफरेंस हो जाता है हमारे नॉर्मल माइक में और वोया M1 माइक में। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये हमारे वोया M1 माइक से, आप देख सकते हैं क्लियरली कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो इस माइक का आप यूज कर सकते हैं, अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो इस माइक को आप परचेज कर सकते हैं। ये माइक मुझे अमेजोन से 750 रुपये के समथिंग पड़ा था, तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, अप्रोक्स 800 के समथिंग ये आ जाता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसको आप परचेज करके आसानी से यूज कर सकते हैं। अब स्मार्टफोन में कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली अगर आप नॉर्मली जो स्मार्टफोन का कैमरा होता है उसमें लगा के अगर आप इसका यूज करने वाले हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो कैमरा आते हैं उसमें काम नहीं करता। इसको यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस कैमरे से आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है और तब जाके इस माइक का यूज करना है, तभी ये माइक है वो काम करेगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कैमरा में ये काम नहीं करता, तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।